नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपकी मुर्गी में पतली बीट या फिर डायरिया का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे दोस्तों आप देखे होंगे आपकी मुर्गी कभी कभी बिल्कुल पानी जैसा बीट करती है, एकदम पतला। उसके साथ साथ दोस्तों कभी कभी बीट का कलर है वो सफ़ेद कलर या फिर हल्का हल्का रेड दिख रहा है, यानी बीट से हल्का हल्का खून भी आ रहा है। और दोस्तों कभी कभी मुर्गी में फीड ड्रॉप का भी प्रॉब्लम होता है, यानी जो मुर्गी फीड खा रही है वो अगर सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है तो वो बीट के माध्यम से फीड को निकाल देती है। तो ऐसे कोई भी अगर पतली बीट का प्रॉब्लम मुर्गी में होता है या फिर डायरिया का प्रॉब्लम होता है तो आपको अपने मुर्गी को तुरंत इलाज करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इलाज करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ जिसका नाम है मेट्रोजेल 400। तो ये जो मेडिसिन है ये हम ह्यूमन में भी इस्तेमाल होता है जब भी हमारे में डायरिया या फिर लूज मोशन का प्रॉब्लम होता है। तब वैसे ही सेम अगर हमारे मुर्गी में ऐसे प्रॉब्लम दिखता है, पतली बीट या फिर डायरिया का प्रॉब्लम, तो हम लोग इस मेडिसिन के इस्तेमाल से वो सारे प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस मेडिसिन को खरीदने के लिए कोई भी केमिस्ट शॉप पे जाके अगर आप इसका नाम बताएंगे मेट्रोजेल 400 तो आपको वो मेडिसिन उपलब्ध करा देंगे। एक पत्ते में करीब 15 टैबलेट्स आपको देखने को मिलेगा जिसका कीमत आपको 20 से लेके 22-25 के आसपास तक पड़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप इस मेडिसिन का अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपकी मुर्गी का उम्र जब 15 दिन से ज़्यादा रहेगा, यानी अगर आपके चूजे 15 दिन से कम उम्र का है तो आपको वैसे में इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों जो डोज रहेगा यानी मात्रा रहेगा वह दोस्तों 35 केजी बॉडी वेट में आपको एक टैबलेट इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपके पास 35 बर्ड है और सारे बर्ड्स एवरेज 1 किलो बॉडी वेट गेन कर चुका है तो वैसे टाइम में आप 35 मुर्गी के लिए एक टैबलेट पानी में इस्तेमाल करना है। तो इसी के हिसाब से आपके पास जितना भी मुर्गी है आपका बर्ड्स का वेट को देख के आपको इस मेडिसिन को इस्तेमाल में लाना है। तो मेडिसिन को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वह है दोस्तों, जब आप कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कि आपको कितना मेडिसिन मिलाना है, सपोज़ अगर जैसे आपके पास 100 मुर्गी है तो 100 मुर्गी आपका एक बार में जितना भी पानी पिएगा, यानी 2 से लेकर 2.5 घंटे के पानी में इस मेडिसिन को घोल के पानी में अच्छे से आपको रात में इस मेडिसिन को पिलाना है। तो ऐसे करके आपको रात के टाइम लगातार 3 दिन इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। 3 दिन आपको इस्तेमाल करने के बाद जो भी डायरिया या फिर पतली बीट का प्रॉब्लम दिख रहा था पहले वो दोस्तों नहीं नज़र आएगा, यानी मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद यानी 3 दिन के बाद आप कोई भी लीवर टॉनिक अपनी मुर्गी में ज़रूर से इस्तेमाल करें, ताकि लीवर अगर स्वस्थ नहीं है दोस्तों तो आपकी मुर्गी में डाइजेशन का प्रॉब्लम आगे भी नज़र आएगा। तो लीवर को स्वस्थ करने के लिए आप कोई भी लीव 52 या फिर ब्रोटोन जैसे लीवर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने मुर्गी को बीमारी से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी बायो सिक्योरिटी या फिर फार्म में बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में भी रखना होता है। जैसे दोस्तों आपको अपनी मुर्गी में जो लीटर का इस्तेमाल हुआ है उस लीटर को अच्छे साफ सुथरा और बिल्कुल ड्राई रखना है, यानी भीगा हुआ लीटर नहीं रहना चाहिए, उससे दोस्तों कई सारे इन्फेक्शन फैलता है और मुर्गी बीमार पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको रेगुलरली जो है जो मुर्गी का बीट है उसको नज़र रखना होगा, बीट को चेक करते रहना होगा ताकि बीट से आपको पता चले कि मुर्गी में कोई बीमारी आया है कि नहीं। उसके लिए आप फार्म के कुछ कुछ एरिया में पेपर का बिछावट कर दीजिए ताकि पेपर के ऊपर जब भी बीट गिरेगा तो उस बीट को आप अच्छे से देख पाएंगे और अंदाज़ा लगा पाएंगे। और दोस्तों आपको हमेशा कोशिश करना है मुर्गी को साफ़ सुथरा पानी और फीड का जो क्वालिटी है वो अच्छा रखना है, यानी अच्छा फीड अपनी मुर्गी को खिलाना है ताकि फीड की वजह से कोई भी प्रॉब्लम मुर्गी को ना आए। और फीड को हमेशा मॉइस्चर से बचाना है, यानी एक अच्छी जगह पे आपको उसको स्टोर करना है और बैग को टाइट करके बांध के रखना है, क्योंकि अगर फीड में मॉइस्चर लग जाता है तो उसके वजह से फीड में फंगस लग जाएगा और वो फीड अगर आप अपनी मुर्गी को दे देंगे खाने के लिए तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और आगे आपको डायरिया या फिर पतली बीट का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे करके अगर आपकी मुर्गी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं और आप अपनी मुर्गी को प्रॉब्लम से बचा भी सकते हैं। तो दोस्तों बस आज का था ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बताया कि अगर आपकी मुर्गी में पतली बीट या फिर डायरिया का प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और दोस्तों का चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेंगे कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।